हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और आज डे 43 के अंदर हम इन्वायरमेंट के अंदर रिसेंट डेवलपमेंट पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो हमारा आईएएस 2020 टारगेट प्रीलिम्स इन 100 डे का क्रैश कोर्स चल रहा था, तो फटाफट से हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हम जो है अब आज से जो है दो दो लेक्चर जो है पर डे डिस्कस करने वाले हैं, और हम एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं। वैसे तो हम मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है PT 365 आ रहा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम जो है सबसे पहले PT 365 को कंप्लीट करें, देन आफ्टर दैट हम मंथली करंट अफेयर्स में जाएँ। ठीक है, तो मंथ क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स अगर अब अभी हम डिस्कस करने बैठेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए हम जो है PT 365 डिस्कस करेंगे, जो कि विजन के द्वारा निकाली जा रही है। तो विजन के द्वारा जो PT 365 निकल के आ चुकी है, तो देखिए आज या कल तक आपको एक पहला लेक्चर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेक्चर को प्रमोट करना है, हर एक जगह फैलाना है, जहाँ भी आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया या हर एक जगह जितने लोगों से करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत सारी हमारी जो है सीरीज जो चल रही है उसे आप देख सकते हैं। एक बार चैनल में जरूर आप विजिट करें, आपको लगेगा कि हाँ जो है कितनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है हम लोगों के द्वारा। चैनल को जरूर प्रमोट करिए, देखिए आपका साथ रहेगा तभी चीज़ हम प्रमोट कर पाएंगे, वरना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आई। देखिए पहला आर्टिकल हमारा यहाँ पे निकल के आया है, यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, जैसे हमने गंगा का हमने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, क्या है, जैसे रिवर यमुना के ऊपर है, वन ऑफ द मेजर रिवर इन इंडिया एंड ऑल्सो द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट रिवर गंगा। तो गंगा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी ही, ये आपको याद रखना है। देखिए चलिए कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिखना है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, लगभग लगभग आप 5-6 ट्रिब्यूटरीज तो आपको लिखना ही है। ठीक है, देन आप यमुना रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में भी लिखिए। ठीक है, तो दोनों रिवर के ट्रिब्यूटरीज के बारे में आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। देखिए आप लोग पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं, अगर आपको देखिए पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो देखने को मिल रहा है, आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पार्टिसिपेट करेंगे तभी आप चीज़ों को सीखेंगे और समझ में आएगा, और दूसरे लोगों को भी आप लोगों के कमेंट से जो है फ़ायदा होगा। ठीक है, तो रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग रिवर यमुना इंक्रीजिंग बिकमिंग वल्नरेबल टू क्वालिटी क्वांटिटी डिक्लाइन द क्वालिटी डिग्रेडेशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से किस तरीके से हर एक जगह पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिससे हमने पहले ही बात की थी कि हमारा जो गंगा रिवर है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो उसी उसी तरीके से यमुना रिवर के अंदर उसी की ट्रिब्यूटरीज है और वहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, अब जैसे इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वेस्ट जो हो जाता है कन्वर्ट यमुना रिवर, तो ओपन जो सेवर वगैरह रहते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है स्ट्रेचर दिल्ली और आगरा से बीच में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो NGT रूल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो रूल आया है रिलेटेड टू यमुना रिवर वो हम देख लेते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस प्रेजेंट डेप्लोरेबल स्टेट ऑफ रिवर NGT हैज़ गिवन अ डायरेक्टेड टू क्लीनिंग द यमुना। ठीक है, तो यमुना क्लीन करने के लिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो निर्मल यमुना रिवाइटलाइजेशन प्लान 2017, तो ये आपको याद रखना है, कौन सा है, निर्मल यमुना रिवाइटलाइजेशन प्लान 2017। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, नाउ इन परस्यूइंग दिस डायरेक्शन सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट हैज कम टुगेदर टू लॉन्च द प्रोजेक्ट अंडर द फेस ऑफ द यमुना एक्शन प्लान। तो यमुना एक्शन के प्लान के अंदर ये प्रोजेक्ट लेके आया गया है। ठीक है, यमुना एक्शन प्लान जो है 3 फेज चल रहा है यहाँ पे, तो विल बी द फर्स्ट प्लान टू कॉम्प्रिहेंसिवली हैव द सीवेज ट्रीटमेंट मैन। इसके अंदर क्या रहेगा, यमुना एक्शन प्लान 3 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नई चीज़ आई, सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर छत घाट फॉर डिबोटीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, वे फॉरवर्ड थोड़ा सा देख लेते हैं हम, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। देखिए ये चीज़ जो है आपके मेंस में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस के परस्पेक्टिव से, वैसे तो हम चीज़ें प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स हैं मेंस के परस्पेक्टिव से हैं, तो इसलिए बताता चलता हूँ मैं कि आप अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो नेसेसरी टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ द वाटर बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द रिवर। ठीक है,
इफ़िशियंट वे में आप इरिगेशन को यूज करिए, स्प्रिंकल ड्रिप मेथड को यूज करिए, ठीक है। तो इस तरीके से जब चीज़ों को आप यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप भी फॉर्मेट में चीज़ें को लिख सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव चेक इंसर्ट ट्रीटमेंट देखते रहिए, डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है, इंडस्ट्रियल का वेस्ट तो कहीं जाके रिवर के अंदर नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके आसपास कंस्ट्रक्शन को बैन करना और न्यू बैरेज वगैरह जो हो रहा है वहाँ को, इन सारी चीज़ों को बैन करना जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल निकल के है वो है नेशनल नेशनल वाटर मिशन। अब देखिए नेशनल वाटर मिशन क्या है, द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, नेशनल नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द नेशनल वाटर मिशन। तो इसने क्या किया है, फीचर को डिस्क्राइब किया है, नेशनल वाटर मिशन के फीचर को डिस्क्राइब किया है। क्या है, अ नेशनल वाटर मिशन विल बी द माउंटेड टू द इंश्योर्ड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट हेल्पिंग टू कंजर्व वाटर मिनिमाइज वेस्टेज। अब देखिए वेस्ट को मिनिमाइज करना, सिंपल जी एनवायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वेस्ट 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 सबसे ज़्यादा हमारा जो टॉपिक निकल जाता है वेस्ट, तो उसको मिनिमाइज करना, किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम फैलने से रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द स्टेट निकल के आता है, ठीक है। आपको चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव वाटर यूज इफिशेंसी 20% जो है यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है वाटर पॉलिसी के अंदर, ठीक है। और नेशनल वाटर मिशन के अंदर आप किस तरीके से 20% चीज़ों को और इफेक्टिव वे में वाटर को यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, देखने को मिल रहा है कि आज आज ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को नहीं मिल पा रही है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है हमें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। अब नेशनल वाटर मिशन हैज़ आइडेंटिफाई 5 गोल्स एज अंडर, तो 5 इसके गोल्स हैं, ये 5ों गोल, 1, 2, 3, 4, 5 आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, कॉम्प्रेहेंसिव वाटर डाटा बेस इन पब्लिक डोमेन असेसमेंट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है, किस तरीके से इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्स में होगा। प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंड स्टेट एक्शन, तो यहाँ पे प्रमोट करना है सिटीजन एंड स्टेट एक्शन फॉर द वाटर कंजर्वेशन ऑर्गेमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन, जन भागीदारी जिसे हम कह सकते हैं, तो जन भागीदारी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर आप खुद नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये जो है शायद नहीं हो पाए। जिस तरीके से हमने स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट किया, हर एक जगह ध्यान रहा, कैंपेन चलाया, हर एक जगह छोटे छोटे NGOs और स्कूल लेवल से लेकर हर एक लेवल पे हमने काम किया। इस तरीके से आज ज़रूरत है कि प्लास्टिक को कर्व करने की हमें ज़रूरत है, आज हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस पे ध्यान दें, वाटर को किस तरीके से इफेक्टिव यूज करें, और भी इस तरीके से जो इन्वायरमेंट और पेड़ लगाओ, ये सारी चीज़ में आज बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे, ये सारी चीज़ें सस्टेन रहे, आगे आने वाली जनरेशन को भी इसका लाभ हो पाए, चीज़ों को मिल पाए, ठीक है। वल्नरेबल एरियाज में बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे, जहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयड एरिया है तो वहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। इंक्रीज वाटर यूज इफिशेंसी बाय 20%, ठीक है, तो हमने बात कर ली थी, ठीक है। प्रमोशन ऑफ बेसिस बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। सिक्योर हिमालय की बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP विद सपोर्ट फ्रॉम द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GES के सपोर्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत GEF के सपोर्ट में इम्प्लीमेंट किया है, क्या जिसे नाम दिया है सिक्योर हिमालय, ठीक है। तो हिमालय को बचाइए, सिक्योर करके रखिए, सिक्योरिंग लाइवलीहुड सॉरी, ठीक है, कंजर्वेशन सस्टेनेबल यूज एंड रिस्टोरेशन ऑफ हिल रेंज हिमालयन इकोसिस्टम, तो वहाँ के इकोसिस्टम को बचा के रखना, वहाँ पे लाइवलीहुड को कंजर्व करके रखना, क्योंकि वहाँ के लोग क्या है काफ़ी ज़्यादा वहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ जो है देखी जा रही है, बायोडाइवर्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, फॉरेस्ट रिसोर्स वगैरह, तो उसको बचा के रखने के लिए, लाइवली लोकल कम्युनिटीज़ को और वहाँ पर सस्टेन करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है चलाया गया है, ठीक है। इसके कुछ की कंपोनेंट्स देख लेते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। कंजर्वेशन की बायोडाइवर्सिटी एरिया एंड देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट टू सिक्योर लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम रेजिलियंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे बचा के रखने की बात कर रही है। जैसे कि क्या हो रहा है कि जैसे कुछ जो हम देख लेते हैं, हमारे जैसे स्नो लेपर्ड्स हो गए, ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में जा रहे हैं, तो उनकी जो हैबिटेट हो क्या हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है, जो रहने की कंडीशन, तो वही सारी चीज़ें हम बचा के रखना चाहते हैं कि स्नो लेपर्ड्स वगैरह हो गए, कुछ इस तरीके से और जो जानवर हो गए जो वहाँ रहते हैं
तो उनका हैबिटेट लॉस जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम अगर ये इस तरीके से हिमालयन रीजन को अगर कंजर्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है जो भी एनिमल्स वगैरह हैं ये सारी इनकी जो हैबिटेट है वो ज़्यादा कंजर्व हो जाएगी। ठीक है, सिक्योरिंग सस्टेनेबल कम्युनिटी लाइवलीहुड, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, हाई रेंज इकोसिस्टम, ठीक है, एनहेंसिंग इन्फोर्समेंट, मॉनिटरिंग कॉरपोरेशन, रिड्यूस वाइल्ड लाइफ क्राइम, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कि पोचिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो इलीगल वे में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, थ्रेड से रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो वाइल्ड लाइफ जो क्राइम ज़्यादा होते हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है इसमें ये इसके की कंपोनेंट्स, तो ये आपको याद रखना है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज एडवोकेसी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाता है हर एक जगह पे, कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह की इन्फॉर्मेशन किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा निकल गया है वर्ल्ड स्पैरो डे। देखिए कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो नाम से समझ आ रहा है कि कोई भी, देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आपसे मैं कहूँ कि कोई भी डे क्यों मनाया जाता है, अगर मैं कहूँ वर्ल्ड स्पैरो डे क्यों मनाया जाता है, तो सिंपल सी चीज़ है, हम कोई भी डे इसलिए मनाते हैं कि अगर हमें ऐसा लगता है कि उसकी कंजर्वेशन में उसको उस पर्टिकुलर चीज़ में थ्रेट देखने को मिल रही है या उसका लॉस हो रहा है या कुछ इस तरीके से चीज़ों को नुकसान हो रहा है, तो हम उस चीज़ में उसके लिए ऊपर डे बना देते हैं कि लोगों को जागरूक हो जाए, लोगों को पता चले कि हाँ ऐसा ऐसा है, कि कैंपेन निकाले, उसमें लोग वर्क करें आपसी सहमति में मिलकर। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखना है आपको। ठीक है, इज अ डे डिजाइन टू रीज द अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऑफ द हाउस स्पैरो एंड अदर कॉमन बर्ड टू अराउंड एनवायरमेंट, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ देयर थ्रेट टू देयर पॉपुलेशन। देखिए पहले भी, पहले की अगर बात करते हैं तो पहले घर के आसपास काफ़ी चिड़िया और पंछी जो हैं सुबह सुबह अगर हम उठते थे तो हमें देखने को मिलता था कि चहचहाते हुए आ रही है आसपास। आज की डेट में अगर आप शहर में जाए, मेट्रोपोलिटन स्टेट सिटीज़ में चले जाइए, तो वहाँ तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा हमने पॉल्यूशन कर दिया है, इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी और ये बहुत सारी चीज़ों का एक छोटे छोटे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो उनके लाइफ को थ्रेट हो रहा है। देखिए ह्यूमन ही एक इंसान प्राणी है, इंसान है, मतलब ऐसा जीव है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सभी जीवों को थ्रेट कर पहुंचा रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट को थ्रेट पहुंचा रहा है, एनिमल्स को थ्रेट पहुंचा रहा है, हर एक जगह में थ्रेट पहुंचा रहा है। ठीक है, तो हमें भी आगे आके हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनका कंजर्व, क्योंकि उनको वो भी एक जीव है, उनको भी हमें कोशिश करना चाहिए कि वो भी कंजर्व रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है नेचुरल फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया का कोलेब्रेशन विथ इकोसेन एक्शन फाउंडेशन, फ्रांस की है। ठीक है, तो इंडिया की है और फ्रांस की है, नेचर फॉरएवर सोसाइटी इंडिया की है और इकोसिन एक्शन फाउंडेशन जो है फ्रांस का है, दोनों एक्शन लिया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेचर फॉरएवर सोसाइटी स्टार्टेड द मोहम्मद, देखिए किसने स्टार्ट किया क्या है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप इतना डीप में जाइए, कब मनाया जाता है ये थोड़ा सा पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की अगर हम बात करते हैं, LDN पार्ट याद रखना है, LDN लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि एनवायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थ्रेट देखने को मिल रहा है, जब पेड़ पौधे जब एक जगह से अगर कट आएंगे या और वहाँ पे पानी नहीं गिर रहा है या कुछ इस तरीके से हो रहा है पानी, या फिर क्या हो रहा है इरोजन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाढ़ आ गई या फिर बिल्कुल ही सूखा पड़ गया, तो इससे क्या हो रहा है चीज़ क्या इरोड हो जा रही है। ठीक है, तब उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, लैंड जो हो रही है डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है हर जगह। ठीक है, जो कि थ्रेड हो रहा है लाइवलीहुड ऑफ द 1 बिलियन पीपल इन ओवर द 100 कंट्रीज इन ईच 12 मिलियन हेक्टर अरेबल लैंड आर लॉस्ट टू ड्रॉट। ठीक है, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, तो हमें इकोनॉमिक कॉस्ट देखने को मिलती है डेजर्टिफिकेशन में, लैंड डिग्रेडेशन में एस्टिमेटेड 419 बिलियन US डॉलर पर ईयर। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लैंड डिग्रेडेशन को किस तरीके से न्यूट्रल करना है, हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, आप अपने आसपास घर के आसपास भी कोशिश करें कि जब भी आपको टाइम मिलता है कि नेचर के साथ आप समय बिताएं और कुछ पेड़ पौधे लगाएं, उनको कंजर्व करें, आप दिन का आधे घंटे 15 मिनट जितना आप दे सकते हैं उतना नेचर के कंजर्वेशन में ज़रूर दें। देखिए हम आईएएस बनने जा रहे हैं तो एक काम है, अगर आप आईएएस बनने जा रहे हैं, सिंपल सी अगर बात करता हूँ तो आईएएस का काम ही यही है कि आपको क्या करना है, चीज़ों को साथ में लेके चलना है, सारी पॉलिसीज, कल आप जाएंगे वहाँ बैठेंगे पॉलिसीज बनाएंगे, तो आप ये चीज़ अपने अंदर अभी से डेवलप करिए, अपने आसपास पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए
उन्हें कंजर्व करिए, पक्षियों को कंजर्व करिए, छोटी छोटी चीज़ें आपके अंदर पहले से ही होनी चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं के लिए तो काम करें, इन्हीं के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, ठीक है। जो गरीब लोग हैं, जो तबके जो जो हेल्पलेस हैं, तो उनके लिए आपको काम करना है। ये एक IAS IPS इन सारी चीज़ों का काम होता है, ठीक है। तो आपको अगर सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं, तो आपका यही काम है, तो आपको अभी से इस चीज़ में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। आप, मैं नहीं कहता हूँ कि पूरा दिन आप पार्टिसिपेट करिए और सारी चीज़ें आप बिल्कुल पढ़ना छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, जितना हो सकता है आप उतना पार्टिसिपेट करिए। हफ्ते में एक दिन 10-15 मिनट, आधे घंटे, इतना तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके तहत भी ये चीज़ें हैं कि रिडक्टिंग पॉवर्टी, इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स, सस्टेनेबिलिटी, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। फॉरेस्ट प्लस 2.0, ठीक है। 2.0 ये क्या है? सिंपल चीज़ है। US एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, USAID के द्वारा एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली लॉन्च द फॉरेस्ट प्लस 2.0 ऑन सितंबर 25, 2019। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फॉरेस्ट प्लस 2.0 जो है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के द्वारा इंडिया की, या फिर साथ, या फिर एक तरीके से एक ऑप्शन और हो सकता है कि US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ये US एजेंसी और इंडियन मिनिस्ट्री के दोनों का कोलेब्रेशन है, ठीक है। दोनों ने साथ में ऑफिशियली इसको लॉन्च किया है। देखिए, 5 ईयर का प्रोग्राम है, इनिशिएट इन दिसंबर 2018, दैट फोकस डेवलपिंग टूल टेक्निक टू बोस्टर द इको सिस्टम मैनेजमेंट एंड हार्शनिंग इको सिस्टम सर्विसेज फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। टेट्रा टेक ARD जो यहाँ पर लेके आ गया कि हम इंजीनियरिंग से किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज करके और इस प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, IORA इकोलॉजिकल सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली से बेस्ड एनवायरमेंट एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया है, इस तरीके से वेरियस चीज़ें इसके अंदर बनाई गई हैं, ठीक है। टारगेट इसके अंदर हम देख लेते हैं, ठीक है। ये फोर प्लस वही क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि गया, बिहार के अंदर, तिरुवनंतपुरम, केरला, मेडक, तेलंगाना के अंदर, कहाँ कहाँ, रामपुर जो साइट्स वगैरह हैं, तो सारी साइट्स बताई गई हैं कहाँ का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जाएगा आपको। मिनिस्ट्री जो मैंने बताया ना, किस किस ने लॉन्च किया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन उसी के ऊपर डायरेक्ट पूछा जाएगा, या फिर टारगेट्स पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से टारगेट्स रखे गए हैं, ठीक है। US और इंडिया का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, US और इंडिया का ये साथ में प्रोजेक्ट है, इंडिया से मिनिस्ट्री है, ठीक है। तो ये याद रखना है। सेकेंड नंबर पे इसके टारगेट्स को आपको याद रखना है कि 1,20,000 हेक्टेयर ऑफ द लैंड अंडर द इम्प्रूवमेंट मैनेजमेंट के अंदर रहेगा। न्यू इंक्लूसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्थ 12 मिलियन रहेगा। मेजरेबल बेनिफिट ये रहेगा, ठीक है। थ्री इंसेंटिव मैकेनिज्म रहेगा। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते, टू अचीव दिस टारगेट प्रोग्राम हैज 3 फोकल पॉइंट। इन चीज़ों को अचीव करने के लिए प्रोग्राम जो है, इसके पास क्या है, 3 फोकल पॉइंट्स है, ठीक है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। डेवलपिंग टूल्स मल्टीपल सर्विस, देखिए इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी ये आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ समझ के लिए, कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, चीज़ें भूलें ना, ठीक है। किस किस का इनिशिएटिव है, US और इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। आप ये IR के टॉपिक में देखिए, है तो एनवायरमेंट का, लेकिन IR के टॉपिक में भी बात कर सकते हैं कि देखिए हम जो है US के साथ मिलकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बायलेटरल टूल, बायलेटरल जो है, जब भी आप बात कर रहे हैं रिलेशन के, तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है। मल्टीपल सर्विसेज के अंदर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। द टूल कंसिस्ट ऑफ इन्वॉल्विंग एप्स के रिलेटेड जो होगा, ऑटोमेटिक फॉरेस्ट प्लानिंग प्रोसेस होगा, फॉरेस्ट मॉडल फॉरेस्ट यहाँ पे निकाला जाएगा, तो रिजल्ट को चेक किया जाएगा, और लेवलीहुड फॉरेस्ट जो जो डिपेंडेंट है फॉरेस्ट से, वो सारी चीज़ की लेवलीहुड को इन्हेंस किया जाएगा, ठीक है। इंसेंटिव बेस्ड इंस्ट्रूमेंट लेके आ जाएगा, लेवरेजिंग फाइनेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल पेमेंट मैकेनिज्म वेयर म्यूनिसिपलिटी एंड इंडस्ट्री वुड पे अपस्ट्रीम फॉरेस्ट कम्युनिटी यूज वाटर फ्लोइंग डाउन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो किस तरीके से हम फॉरेस्ट के मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, जो ट्राइबल एरिया जो है ना आसपास, आपको देखने को मिलता होगा कई ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत सारे जो ट्राइबल एरिया होगा, ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई, वो डिपेंडेंट रहती, तो उनकी लाइफ को किस तरीके से आप इन्हेंस कर सकते हैं इसके तहत, तो ये बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। और मोबिलाइजिंग इंटरप्राइजेस वगैरह सारी चीज़ें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आप किस तरीके से उनकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कुछ इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, जैसे अर्थ डे हो गया, ठीक है। आपने भी देखा होगा, अर्थ डे इज ए एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अप्रैल 22 को अर्थ डे जो है
सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इट्स सेलिब्रेशन इज कॉर्डिनेशन ग्लोबली बाय द अर्थ डे नेटवर्क, ठीक है, 1969 एट यूनेस्को कॉन्फ्रेंस ऑफ सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो 1969 में ये याद रखना है, अर्थ डे कब बनाया जाता है, 22 अप्रैल को, ठीक है। 1969 यूनेस्को कॉन्फ्रेंस सैन फ्रांसिस्को, द पीस विजिट एक्टिविस्ट जॉन मैकोलन प्रपोज डे ऑनर अर्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पीस, द फर्स्ट टू सेलिब्रेट 21 मार्च 1970 द फर्स्ट डे ऑफ द स्प्रिंग इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर का ये क्या है, पहला दिन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। 21 मार्च जो है 1970 को पहली बार इसको सेलिब्रेट किया था, नाउ अब इसे 22 अप्रैल को है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अर्थ आवर क्या होता है, अभी हमने अर्थ डे देखा, अब हम देख रहे हैं अर्थ आवर। अर्थ आवर क्या होता है, अर्थ आवर जो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय WWF वर्ल्ड वाइड फंड, तो WWF के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्थ आवर। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि द इवेंट इज हेल्ड एनुअली, हर साल होता है, इंकरेजिंग इंडिविजुअल कम्युनिटी हाउस होल्ड बिजनेसमैन सबको यहाँ पे कि वो अपनी लाइट्स को क्या कर दें, ऑफ कर दें 1 घंटे। आपने भी सुना होगा, अगर आप शायद आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा कि जो 1 दिन के लिए 1 घंटे के लिए लाइट क्या है, ऑफ करके रखना है आपको, 8:30 से 9:30 के बीच में आपको लाइट ऑफ करके रखना है, एज अ सिंबल ऑफ देयर कमिटमेंट टू द प्लानट, ठीक है, कि उस तरीके से अर्थ आवर ये मनाया जाता है, ठीक है। तो लगभग 2017 से जो है ये है स्टार्ट हुआ था, और लगभग 7,000 सिटीज के अंदर, टाउन अक्रॉस द 172 कंट्री वर्ल्ड वाइड के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए इन सारी चीजों में, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन हैज प्रोक्लेम 22 मई एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। IDB की अगर मैं बात करता हूँ, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, तो वो कब मनाया जाता है, 22 मई को, तो मई 22 को ये IDB मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग द अवेयरनेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इशू, ठीक है। UN जनरल असेंबली अडॉप्टेड 22 मई एस IDB द कॉमेरेट एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। IDB वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 29 दिसंबर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर ईच ईयर, पहले याद रखना, पहले कब मनाया जाता था, 29 दिसंबर को। लेकिन क्या होता था उस टाइम पे, छुट्टियां पड़ जाती थी या कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है सामने निकल के आती, हॉलीडेज वगैरह कोइंसाइड कर जाते थे अलग अलग कंट्रीज में, इसलिए अब इसको कब मनाया जाने लगा, 22 मई को। तो ऑप्शन में आपके 29 दिसंबर भी होगा, ठीक है, तो लेकिन आपको 22 मई भी करके आना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपको पता ही होगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को, हर साल 5 जून को जो है हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे रहता है, मना जाता है। फर्स्ट कब हुआ था, 1947 में, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा कैंपेन चलाए जाते हैं, हम लोग पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं स्कूल कॉलेजेस अलग अलग जगह इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका थीम जैसे हर साल जो थीम रहती बदलती रहती है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन के बताना है कि 2019 की थीम क्या थी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको बताना था, ठीक है। 1974 में पहली बार जब ये मनाया गया था, तब उसकी थीम थी क्या थी, ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक अर्थ, हमारे पास सिर्फ एक अर्थ है ईच ईयर, ठीक है। ओनली वन अर्थ, ईच ईयर WED हैज अ न्यू थीम, हर साल इसमें नई थीम होती है, जैसे हमने बात किया। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है 2019 की क्या थीम है और 2020 की क्या थीम होगी, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा और है, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रिजर्वेशन करने के लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया गया है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये 1994 से स्टार्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो इंटरनेशनल डे प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कमिटमेंट डेट कब, 1987 में इसको साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो उसके तहत ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो जितने भी डे हम डिस्कस कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दो और बचे हैं तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो इसको जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो 21 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट वॉज एस्टैब्लिश ऑन 21 मार्च बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है 2012 में ये मनाया जाता है, ठीक है।
ईच ईयर वेरियस इवेंट सेलिब्रेटेड एंड रेज अवेयरनेस, हर साल जो है बहुत सारे इवेंट होते हैं अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट उसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, तो ये और बताए जाते हैं कि जो आउटसाइड द ट्री जो है फॉरेस्ट के आउटसाइड है उसके क्या बेनिफिट्स हैं और फ्यूचर जनरेशन में क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ के अंदर बताई जाती है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग भी कोशिश करिए कि इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए, आपके आसपास कहीं हो रहा है या फिर लोगों को नहीं मालूम है तो आप खुद जाके इसको सेलिब्रेट करिए, बताइए लोगों को, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर द फॉरेस्ट ऑब्जर्व इन द फर्स्ट टाइम इन 21 मार्च 2013 को पहली बार ये है देखा गया था, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। वर्ल्ड हैबिटेट डे की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है ऑब्जर्व होता है एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे पहला मंडे, याद रखिएगा अक्टूबर का कोई डेट इसकी निश्चित नहीं है, तो क्या है अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे होता है उस दिन मनाया जाता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। इट वॉज ऑफिशियली डिज़ाइन बाय द यूनाइटेड नेशन, तो इसको ऑफिशियली किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा, एंड द फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1986, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑफिशियली डिज़ाइन किया गया था, पहली बार इसे 1986 के अंदर मनाया गया था, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है, जितने भी डे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और लेक्चर को समाप्त करने से पहले अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन भी मिल जाया करती है और पीडीएफ पीपीटी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे शेयर कर दिया करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ठीक है, और स्टडी टाइम ओनली को बिल्कुल फैला दीजिए हर एक जगह, ठीक है, आपका अपना ही चैनल है, आपको इससे अगर प्रॉफिट मिल रहा है, अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए हर एक जगह, बिल्कुल फैला दीजिए और लोगों को बताइए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स से अपने रिलेटिव से जितना भी जितने लोगों से हो सकता है उतने लोगों को बताइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी हम कुछ ऐसी चीज़ें भी अभी लेके आने वाले हैं जो जनरल एजुकेशन के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट ओनली फॉर द यूपीएससी, अगर हम यूपीएससी देखिए, यूपीएससी तो हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक जनरल लोगों को पता होना चाहिए किस तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों की, उस वो एजुकेशन का एक हम मॉड्यूल लेके आएंगे जहाँ पे हम बहुत ही जनरली सी चीज़ें डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड और इस तरीके से रिलेटेड जो हुए हैं जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक वो इंसान के लिए जो जागरूक रहना चाहता है, जो एजुकेट रहना चाहता है, जो देखिए एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आप ऐसा समझ लीजिए चलती हुई नदी है जो आपको हर टाइम आपको लेना ही होगा, ऐसा नहीं कि आप वहाँ तक पढ़ चुके हैं तो आपकी एजुकेशन फुल हो चुकी है, आप पढ़ना छोड़ दीजिए, नहीं, एजुकेशन तो लाइफ में हमें हर टाइम लेना चाहिए, क्योंकि हर टाइम क्या हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, चीज़ें समय के साथ क्या हो रही है, बदल रही है, तो ये हमारी एक मुहिम है जो हमको एजुकेशन को इस तरीके से प्रमोट करना है कि हर जगह हर इंसान जो है एजुकेट हो पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एजुकेशन को फ्री ही होना चाहिए, ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्क्रिप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लेक्चर को हर एक जगह फैला देना है, बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है, अगर आपने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर प्लीज़ आप लेक्चर को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।